सभी सभी लोगों को सुना, प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स बंद करे विपक्ष, क्योंकि जनता ने नकार नहीं दिया है, हाशिए पे पहुंचा दिया है। और मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक राजनीतिक कर नहीं सकते तो सोच को तो सकारात्मक विकसित करिए। 40% से ज्यादा मुस्लिम है रामपुर में और आजम, और कई कई बार आपके सांसद विधायक रहे हैं और आप बता रहे हो राम आजमगढ़ में तो 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी जबरदस्त आपके अप्रोच होने के बाद आखिर कहां कमी रह जा रही है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वो आजमगढ़ जीत रहे हैं, रामपुर जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका ये भरोसा ना होना भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसे कई उलटफेर किए हैं। आपने राजनीति को बहुत कवर, बहुत करीने से कवर किया है एडिटर महोदय, आपने देखा होगा कि कई ऐसे निर्णयों को हमने पलट दिया है, शामली हो चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, ऐसी कई सीटें थी जहां पर हमने ऐसे इतिहास दोहराए हैं जो कभी नहीं हुए उत्तर प्रदेश की। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का जो भय है, जो डर है और जो शंका है, इस डिबेट के माध्यम से उन्होंने जाहिर कर दिया है कि शायद रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटें वो हार रहे हैं। और ये हार हो भी क्यों ना, मुझे लगता है कि क्योंकि विश्लेषण का विषय नहीं है ये, क्योंकि विश्लेषण करना मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बस की बात नहीं, कांग्रेस के लिए तो कहीं क्या। मुझे लगता है कि समाजवादी कम कांग्रेस, मुझे बहुत जल्द इस बात की खुशी होगी कि कांग्रेस अपना चुनाव चिन्ह सरेंडर करके साइकिल की सवारी करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रत्याशी लड़ाने की आज स्थितियां भी नहीं बन रही हैं। और हर डिबेट में आप देखिए समाजवादी पार्टी को डिफेंड करते नजर आएंगे, अपना कोई विजन नहीं रह गया है, अपना कोई मिशन नहीं रह गया है, उधार की कांग्रेस, उधार की राजनीति और उधार की पार्टियों का सपोर्ट करने पे तुले हुए हैं समाजवादी कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस को लेकर के मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना तय है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब धूल दूसरित हो रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको याद होगा केशव देव मौर्य जी, जिनकी पार्टी से गठबंधन किया था, और उस गठबंधन के बाद मुझे उम्मीद थी कहीं ना कहीं जब गठबंधन से चीजें होती हैं तो उसके बाद चीजें ये देखी भी जाती हैं, कई चीजें करी भी जाती हैं, कि आपको कौन मिला, आपको धर्मेंद्र यादव मिले। पूरी समाजवादी पार्टी में कोई ढंग का नेता नहीं था। बदायूं ने जिन्हें नकार दिया, दो दो बार सांसद रहने के बाद बदायूं की जनता ने जिन्हें उन्हें नकार दिया, और नकारने के बाद आजमगढ़ में केवल इस बलबूते चले गए क्योंकि उनका एम बाई फैक्टर काम कर सकता है, जातिगत आंकड़े काम कर सकते हैं, यानी विकास से कोसों दूर थी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता। परिवारवाद में घिरी हुई पार्टी केवल जातिवाद पे आधारित राजनीति कर रही है और व्यक्तिवाद पे आधारित राजनीति कर रही है। भारत का भविष्य क्लियर हो चुका है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से भाई साहब कह देना चाहता हूं कि ये क्लियर हो चुका है कि परिवार ही पार्टी मानने वालों की स्थितियां क्या है पूरे देश में, ये आपको उदाहरण आज भी देखने को मिल रहे हैं, और जिनकी जिनकी पार्टी ही जिनका परिवार है और वो भी उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी चलिए आपकी पूरी अपनी अपनी पार्टी का प्रजातंत्र नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं कायम कर पा रहे हैं, और वो यहाँ पर वो एक कहावत नहीं है, 100-100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, तो वो है समाजवादी पार्टी। तो मुझे लगता है कि पहले प्रजातंत्र आप अपने अंदर विकसित करिए, और आजमगढ़ में कोई ग्राउंड का नेता उतारे होते तो हमें भी आज खुशी होती कि अनिल मिश्रा जी को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो मुझे खुशी होती समाजवादी पार्टी ने कम से कम अपने अंदर एक प्रजातंत्र को विकसित किया। लेकिन कामोवेद वही स्थिति है समाजवादी पार्टी के, ढाक के तीन पात, पापा आएंगे तो बेटा लड़ेगा, बेटा आएगा तो भतीजा लड़ेगा, भतीजा नहीं रहेगा तो चाचा लड़ेगा, चाचा नहीं तो ताऊ लड़ेंगे। अरे भाई अनिल मिश्रा जी कब लड़ेंगे, अनिल मिश्रा जी क्या लड़ाते ही रहेंगे चुनाव? क्या समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बना है? गुलाम नहीं है भाई पार्टी का कार्यकर्ता, आप लोग गुलाम बनाने पे क्यों तुले अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की? कम से कम सुनिए, उनसे राय लीजिए, और ऐसे प्रत्याशियों को उतारना चाहिए था कि जिनसे लगे कि प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। अगर धर्मेंद्र यादव जैसों से, डिंपल यादव जैसों से प्रजातंत्र मजबूत होता तो समाजवादी पार्टी की स्थितियां नहीं होती। भाई साहब समझने का प्रयास करिए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, अन्यथा आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आपको कभी चुनाव नहीं लड़ाएगी समाजवादी पार्टी।